दोस्तों, मैं मीतू अपने चैनल बी परफेक्ट विद मीतू शुभाई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं ईश्वर से आप सबकी खुशहाली की कामना करती हूँ। सो दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो है फेक आईलैशेस को हम कैसे लगाएं, यानी कि नकली पलकों को कैसे हम लगाएं और लगाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, लगाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और उतारते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, इस वीडियो में मैं आपको वो सब बताऊंगी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि मैंने फेक आईलैशेस लिए, आप कोई भी ब्रांड, कोई भी, मैंने लोकल मार्केट से लिए, आप कोई भी ले सकते हैं। और बिगनर्स के लिए मैं स्पेशली ये बोलूंगी, आप बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में एकदम महंगे आईलैशेस मत लें। 20-30 रुपीज जो वाली जो आती है वो आप ले सकते हैं। ये मैंने लोकल मार्केट से लिए, 30 रुपीज की लिए है मैंने। सबसे पहले हम इसका पैक खोलेंगे और एक लैश को हम इस तरह से इसमें से धीरे धीरे निकालेंगे। जोर से नहीं खींचना, नहीं तो हमारी लैश बीच में से टूट जाएगी। इस तरह से ये देखिए, मैंने एक लैश ले ली है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस लैश को मेजर करेंगे अपनी आंख के ऊपर रख के। अगर ये ज्यादा बड़ी है तो हम एक्स्ट्रा जो उसका पोर्शन है उसको कट कर देंगे। तो आइए चेक करते हैं। ये देखिए, इस तरह से चेक करेंगे, ये मैंने रखी अंदाजे से, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये एक्स्ट्रा नहीं जा रही है, तो मैं इसको कट नहीं करूंगी। कुछ आईलैशेस बहुत बड़ी होती हैं, उन्हें आप पहले मेजर कर लें अपने आईलिड के अकॉर्डिंग, उसके बाद अगर वो एक्स्ट्रा होती है थोड़ा सा उसमें से आप कट कर दें। फिर क्या हो, सेकेंड स्टेप क्या होगा, आंख पे देखिए मैंने अपने आईलाइनर पहले से ही अप्लाई कर लिया है। आपको एक कोटिंग आईलाइनर की पहले से, जो भी आपको आईलाइनर लेना है, विंग, नॉर्मल, जो भी लेना है, उसको आप पहले से करके रख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप के लिए देखिए, मैंने लिक्विड ग्लू लिया है, ये बहुत अच्छा रहता है। मैं भी आपको हाईली यही रिकमेंड करूंगी कि आप भी इसी तरह का लिक्विड ग्लू कोई भी ब्रांड का, कोई भी कंपनी से आप ले सकते हैं, वही आप यूज करें। लिक्विड ग्लू से इसको लगाना बहुत इजी हो जाता है। तो ये देखिए, लैश के ऊपर में बैक साइड पे इसकी धीरे धीरे से इस तरह से ग्लू को लगाऊंगी। देखिए, ब्रश से बहुत इजी होता है लगाना और फिनिशिंग भी आती है लगाने में। ये देखिए इस तरह से। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो आउटर कोने होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, वहां पे आपको आईलैश थोड़ा अच्छे से लगाना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, आईलैश हमारा जो कॉर्नर से निकल जाता है वो बहुत बुरा लगता है देखने में। ये देखिए, मैंने इस तरह से इस पे ग्लू लगा दिया है और मैं इसको सेमी ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। दोस्तों ये देखिए, मेरा ग्लू सेमी ड्राई हो चुका है, अब मैं इसको अपनी आईलिड पे लगाऊंगी। मैं किसी टूल का यूज नहीं कर रही हूँ, मैं हाथ से ही आपको बहुत इजीली लगाना बताऊंगी। इसको आप ऐसे पकड़ लें और आप ये देखिए, आप इनर कॉर्नर से लगाना स्टार्ट करें, अंदर की तरफ से। इस तरह से मैंने इसको रखा और धीरे धीरे प्रेस करा और मैंने इसको अपनी पूरी आई पे ऐसे स्प्रेड कर लिया, ये देखिए। और फिर मैंने इसको बाद में धीरे धीरे इस तरह से प्रेस करके इसको सेट कर लिया। ये देखिए, एक ही बारी में परफेक्टली कितनी अच्छी हमारी आईलैश लगी है। देखिए, ये देख सकते हैं आप। बस आपको क्या करना है, आपको अंदर वाले इनर कॉर्नर से लगाना स्टार्ट करना है, आउटर कॉर्नर से लगाना स्टार्ट नहीं करना है। मैं फिर इसको हल्के हल्के हाथ से ऐसे प्रेस कर दूंगी जिससे ये बिल्कुल सेट हो जाए, स्पेशली आउटर कॉर्नर से। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए दोस्तों, आईलिड अच्छे से सेट होने के बाद हमें सबसे बड़े ध्यान रखना है कि हम मस्कारा जो भी अपना यूज करते हैं उसकी हमें कोटिंग जरूर लगानी चाहिए, जिससे कि हमारी जो फेक आईलैशेज और जो हमारे रियल आईलैशेज हैं वो आपस में मिक्स हो जाए, अलग अलग से ना दिखे। ये देखिए, दोस्तों ये देखिए, मैंने अपना मस्कारा अप्लाई कर लिया, मेरी जो फेक है और रियल है वो दोनों मिक्स हो गई हैं आपस में, बिल्कुल भी उसमें डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद हमें एक आईलाइनर की कोटिंग ऊपर से और लगानी होती है उसको फिनिश लुक देने को। ये देखिए, हल्का सा मैंने आईलाइनर लगा लिया ऊपर से, अगर कोई ग्लू वगैरह बाहर आया होगा तो वो इस लाइनर में हाइड हो जाएगा।
हाँ दोस्तों एक चीज और, मेरा जो ग्लू था वो व्हाइट कलर का था, इसमें ब्लैक कलर का भी आता है, मुझे अभी अवेलेबल नहीं हुआ है। अगर आपको ब्लैक कलर का ग्लू मिलता है तो वो और भी बेटर है, तो आप ब्लैक कलर का लिक्विड ग्लू ले लें आईलैशेस को स्टिक करने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी इसका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड के लिए क्या करूंगी, मैं अपना ये लिक्विड ग्लू ले लूंगी और इसको मैं अपने लाइनर के ऊपर एज अ लाइनर की कोटिंग लगा लूंगी। ये देखिए, दोस्तों मैं इस ग्लू को सेमी ड्राई होने का वेट करूंगी और मैं अपनी आईलैश को अब निकालूंगी पैकेट से और मैं इसको ऊपर इसको लगाना स्टार्ट करूंगी। देखिए इस तरह से, सो देखिए मैंने आपको दोनों तरीके बताए, दोनों तरीके से आईलैशेस एक तरह से ही लग रही है देखिए। और इस पे मैंने नीचे मस्कारा अप्लाई कर लिया है ताकि मेरी फेक और रियल इसमें मिल जाएं। तो ये दो वेज मैंने आपको बताए थे फेक आईलैशेस लगाने के, एक या दो बारी में हो सकता है आपका हाथ ना सेट हो, लेकिन ये लगाना बहुत इजी है और आईज को कंप्लीट लुक देने के लिए, अट्रैक्टिव मेकअप के लिए आईलैशेस बहुत जरूरी है जो आपको आनी ही चाहिए। अब ये बात तो रही लगाने की, उतारते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। उतारते समय आप डायरेक्ट इसको ना खींचें ऐसे, कई बार क्या होता है जो हमारे रियल लैशेज होती है वो भी इनके साथ खिंच जाती हैं। तो उसका बेटर तरीका ये है, कॉटन में थोड़ा सा गुलाब जल ले लें और उसको इस तरह से डैब डैब करके 10-5 सेकंड के लिए छोड़ दें, तो वो क्या होगा हल्का सा उसके जो गुलाब जल के मॉइस्चर से ये हमारी जो लैशेज है फेक लूज हो जाएंगी। फिर आप उसको धीरे से निकाल के रख लें। रखने का तरीका क्या है, आपको लैशेज ऐसे ही निकाल के नहीं फेंकनी है, जिस पैकेट में से आपने लैशेज निकाली थी वहीं पे निकाल के और जो ये राउंड हमें शेप दे रखी होती है इसी शेप में हमें इन्हें वापस स्टिक कर देना होता है, अगर आप उनको रीयूज करना चाहते हैं तो। अगर आपने ऐसे ही स्टिक कर दिया तो उससे क्या होगा, जो आईलैशेस की जो शेप है वो खराब हो जाएगी, बिकॉज हमारी जो आईलिड होती है ऊपर राउंड होती है, तो ये राउंड शेप इसलिए दिया होता है ताकि हम जब आईलैशेस को दोबारा रखें तो राउंड शेप में स्टिक कर दे, उसकी शेप बेकार ना हो, वो स्ट्रेट ना हो। स्ट्रेट आईलैशेस लगाने में बहुत प्रॉब्लम आती है और वो लुक भी अच्छी नहीं देती है। सो दोस्तों मैंने आज आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताया कि आपको आईलैशेस लगाने से पहले, लगाते समय और लगाने के बाद और उतारते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। हाँ एक चीज और, कभी भी आप पैकेट को ओपन ना छोड़ें, हमेशा पैकेट को बंद करके रखें, बिकॉज इसमें डस्ट नहीं जानी चाहिए क्योंकि आंखें बहुत सेंसिटिव होती हैं। जब हम दोबारा इनको यूज करेंगे अगर ओपनली छोड़ देंगे, इसमें जो डस्ट होगी वो स्टिक हो जाएगी और वो डस्ट हमारी आंखों में जा सकती है, तो उससे हमारी आईज में एलर्जी भी हो सकती है। तो दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट नॉलेज दे दी इस वीडियो में कि लगाने से पहले, लगाने के तरीके और लगाने के बाद आपको क्या क्या करना है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा आगे आप क्या देखना चाहेंगे मेरी वीडियोस में, बिकॉज मैं आगे कुछ नया नया और कुछ सीरीज वगैरह स्टार्ट करने की सोच रही हूँ, लाइक सारी सीरीज, मेकअप सीरीज। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आप पहले कौन सी सीरीज देखना चाहेंगे, वही सीरीज मैं आपके लिए स्टार्ट करूंगी और वो सीरीज एकदम कंप्लीट नॉलेज के साथ होंगी, बहुत हेल्पफुल होंगी और आपके बहुत काम आएंगी। और उन सीरीज के एंड होते होते आप इतने अच्छे से परफेक्शन आप में आ जाएगी कि आप हर काम घर पे अपने आप ही कर सकते हैं और अच्छे से सीख जाएंगे। हाँ एक चीज और दोस्तों, आप मुझे टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे और FB पे भी फॉलो कर सकते हैं, इनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां से जाके आप मेरे को वहां भी अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।